सीतापुर की राजनीति का चमकता हुआ सूरज शनिवार को सदा के लिए अस्त हो गया। पॉलिटिकल पुरोधा कहे जाने वाले महेंद्र वर्मा का सीतापुर में राजनीतिक बाहुबल जनता में इस कदर था कि उनके एक इशारे पर राजनीतिक गलियारों की हवाएं रुख मोड़ लेती थी। महमूदाबाद से 6 बार विधायक रहे नरेंद्र सिंह वर्मा के बड़े भाई महेंद्र वर्मा के निधन से पैतृक गांव पोखरा कला ही नहीं, उनके अंतिम दर्शन में उमड़ा हजारों का हुजूम फूट फूट कर रो रहा था। और रोए भी क्यों ना, क्योंकि उनका जो आधुनिक नहीं बल्कि जमीनी नेता जोन से सदा के लिए जुदा हो गया था। महेंद्र वर्मा के पार्थिव शरीर की एक झलक पाने को हर कोई जद्दोजहद कर रहा था। आलम यह हुआ कि आवास का मुख्य दरवाजा तक बंद करना पड़ा। उनका पार्थिव शरीर दिल्ली से पैतृक गांव पोखरा कला पहुंचने से पहले ही हजारों की भीड़ जमा हो गई। पोखरा कला को जाने वाले हर मार्ग पर गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लग गई। महेंद्र सिंह वर्मा की राजनीतिक पकड़ का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हर दल का नेता उन्हें अंतिम विदाई देने से अपने आप को रोक नहीं पाया। महेंद्र वर्मा के पार्थिव शरीर की झलक पाने के लिए पोखरा कला में दूर दूर तक सिर ही सिर नजर आए। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट कर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि वरिष्ठ समाजवादी नेता एवं पूर्व मंत्री नरेंद्र वर्मा के बड़े भाई महेंद्र वर्मा के निधन से वो अत्यंत दुखी हैं। शोकाकुल परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए लिखा कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे। उन्होंने ट्वीट कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। महमूदाबाद में उनके छोटे भाई नरेंद्र वर्मा को हराकर भाजपा से विधायक बनी आशा मौर्या ने और उनके गांव के कुर्सी से भाजपा विधायक साकेंद्र प्रताप वर्मा ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए। बड़े भाई महेंद्र वर्मा को खोकर नरेंद्र वर्मा फूट फूट कर रोते नजर आए। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र वर्मा का एक पैर क्षेत्र में प्रचार के लिए रहा तो दूसरा पैर दिल्ली में अपने दादा के लिए इलाज के लिए। प्रचार छोड़ वो अक्सर दिल्ली पहुंच जाते थे जबकि बड़े भाई महेंद्र वर्मा उन्हें चुनाव देखने के लिए भेजते रहे। इन भाइयों की मित्रता एक मिसाल ही नहीं, उनके इस अपनेपन का हर कोई कायल था। बड़े भाई के प्रति ऐसा अदब आज के दौर में बिरले ही मिलेगा। 6 बार के विधायक नरेंद्र सिंह वर्मा के सामने शायद ही कोई ऐसा मौका आया हो जब उन्होंने अपने दद्दा को आदेश टालने की हिम्मत जुटाई हो। शाम करीब 4 बजे उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक आवास पहुंचा जहां हजारों की तादाद में लोग उपस्थित रहे। एम्बुलेंस से निकाल कर उनके शरीर को घर ले जाया गया जिसके बाद अंतिम यात्रा निकाली गई। हर किसी की आंखें नम थी, अपने क्षेत्र में सक्रिय और लोकप्रिय नेता को वो खो चुके थे। अंतरिम यात्रा में सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, सांसद राजेश वर्मा, विधायक आशा मौर्या, विधायक निर्मल वर्मा, अनिल वर्मा, कुर्सी विधायक साकेंद्र वर्मा, पूर्व विधायक रामपाल यादव, रामहित भारती, एमएलसी आनंद भदौरिया, पूर्व एमएलसी राकेश सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष बाराबंकी राजरानी रावत, विधायक ज्ञान तिवारी, सपा छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष शमीम कौसर, जिलाध्यक्ष छत्रपाल सिंह, जली संसारी चेयरमैन खैराबाद, आइंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंगौर अफजाल कौसर, सुधांशु वर्मा, कोतवाल अनिल कुमार, पूर्व सीओ वीबी सिंह, ब्लॉक प्रमुख मुकेश वर्मा, अजय यादव लहरपुर के प्रमोद वर्मा, मोहम्मद कादिर, ऋषि राज सिंह, ओमकार नाथ, हर्षित सोनी, सुरेंद्र वर्मा, प्रमोद, नदीम अहमद, अब्दुल कयूम इश्तियाक शाद, आफताब सहित हजारों की तादाद में जन समूह शामिल हुआ। उनका अंतिम संस्कार सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटर कॉलेज
गुड़ैचा चौराहा में किया गया। मुखाग्नि उनके बेटे उत्कर्ष वर्मा ने दी। शिक्षण संस्थान में उनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। महेंद्र वर्मा अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गए। महेंद्र वर्मा की 5 बेटियां हैं, जिनमें से 3 का विवाह हो चुका है और 1 बेटा है। महेंद्र सिंह वर्मा की बेटी गोपल वर्मा, डॉक्टर नुपुर वर्मा, प्रियंका की शादी हो चुकी है। 2 बेटियां प्रिया और रिमझिम अविवाहित हैं। बेटा उत्कर्ष अभी शिक्षा ग्रहण कर रहा है। महेंद्र सिंह वर्मा लंबे समय से बीमार चल रहे थे। 13 मार्च को उनके लीवर का ऑपरेशन होना था। उनकी 2 बेटियां गोपल वर्मा और नुपुर वर्मा लीवर डोनेट करने जा रही थी। डॉक्टर ने 13 मार्च का समय दिया था। 8 मार्च को उनकी तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद वो आईसीयू में चले गए थे। किंतु इससे पहले दुखद खबर से पूरा परिवार टूट गया। 12 मार्च को ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री डॉक्टर अम्मा रिजवी ने भी पत्र के माध्यम से अपना दुख जाहिर किया। उन्होंने लिखा कि महेंद्र सिंह वर्मा जमीनी और सक्रिय नेता थे। जनपद ने एक ऐसा व्यक्ति खो दिया जो बहादुरी से खड़े होकर चुनौतियों को स्वीकार करता हो और उनका मुकाबला करता हो। भाजपा नेत्री सांसद रेखा वर्मा, यूपी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल, भाजपा जिलाध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा सहित सैकड़ों नेताओं ने दुख व्यक्त किया। महमूदाबाद क्षेत्र के प्राइवेट विद्यालय शोक सभा के बाद 1 दिन के लिए बंद हो गए। महमूदाबाद से 6 बार के विधायक नरेंद्र सिंह वर्मा के बड़े भाई महेंद्र सिंह वर्मा का जिले की राजनीति में लंबे समय तक दबदबा कायम रहा। पिता की मौत के बाद महेंद्र सिंह वर्मा ने अपने छोटे भाई नरेंद्र सिंह वर्मा के साथ गुडबेल का व्यवसाय शुरू किया। वर्ष 1987 में महेंद्र सिंह वर्मा ने अपने छोटे भाई नरेंद्र सिंह वर्मा के साथ राजनीति में कदम रखा। पिता की समाज सेवी छवि को आगे बढ़ाने के लिए महेंद्र सिंह वर्मा ने अपने छोटे भाई नरेंद्र सिंह वर्मा को गन्ना परिषद का डायरेक्टर बनाया। अपने जिला पंचायत अध्यक्ष 2000 से लेकर 2005 के कार्यकाल में महेंद्र सिंह वर्मा ने महमूदाबाद विधानसभा क्षेत्र में प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूलों की झड़ी लगाने के साथ सैकड़ों सड़कें बनवाई। उन्होंने अपने राजनीतिक कौशल के बल पर एक समय में अपनी पार्टी द्वारा तय किए गए जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी के विरुद्ध जाकर अजय भार्गव को जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर आसीन करा दिया, तो राजनीति के कई महारथी चौकन्ने रह गए। बेलाग बात करने के लिए और अपने समर्थकों कार्यकर्ताओं को पूरी तरह समर्पित रहने और उनके सुख दुख में हर तरह साथ रहने की उनकी विशेष खूबी के लोग कायल थे। महेंद्र वर्मा के लीवर में कैंसर होने के कारण पिछले कई महीनों से वे बीमार थे। दिल्ली के मेदांता हॉस्पिटल में 13 मार्च को उनका लीवर ट्रांसप्लांट होना था। हॉस्पिटल में सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई थी। इसी बीच 10 मार्च को हुई चुनावी मतगणना में उनके छोटे भाई नरेंद्र सिंह वर्मा महमूदाबाद से 7वीं बार विधायक बनने से चूक गए। माना जा रहा है कि अपने छोटे भाई से अत्यधिक स्नेह करने वाले नरेंद्र सिंह वर्मा की हार का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर सके और 12 मार्च की सुबह करीब 3 बजे मेदांता हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली। महेंद्र सिंह वर्मा की छवि पूरे जिले में एक धाकड़ नेता के रूप में साबित रही। वह अपने पैतृक गांव पोखरकला को ही राजनीतिक केंद्र बनाया और वहीं से समीकरण साधते रहते थे। कार्यकर्ताओं से लेकर सांसदों, विधायकों और शीर्ष नेताओं से वे गांव से संपर्क किया करते थे। उन्होंने 2000 में जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर अपना स्थान बनाया। इसके बाद वो पशुधन विकास विभाग के डायरेक्टर रहे। महमूदाबाद पहला, रामपुर मथुरा के अलावा बिस्वा और लहरपुर में भी ब्लॉक प्रमुखों की कुर्सी पर कौन बैठेगा, ये महेंद्र सिंह वर्मा के हाथ में होता था। सरकार किसी की भी रहे, वो अपने लोगों को हर हाल में इन कुर्सियों पर स्थापित कर ही देते थे। 1991 में नरेंद्र सिंह वर्मा विधायक बने। 1993, 2002, 2007, 2012 और 2017 में विधायक बने। 2012 में चुनाव जीतने के बाद
वह मंत्री भी बने, लेकिन महेंद्र की शख्सियत में कोई बदलाव नहीं आया। गांव में खेतों में वो अक्सर बनियान और बरमूडा पहनकर दिख जाते थे। महेंद्र सिंह वर्मा ने अपने जीवन में कई ऐसे दौर भी देखे, लेकिन उन्होंने राजनीति में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।